असलम वालेकुम दोस्तों, मैं कमरा लिया। मैं मतशबा बिनते इबलीस की हाजरी का अमल दे रही। ये भी जो है वो सिफली परी एक तरीके से, ठीक है, परी तो नहीं है जैसे कि वो बताई आपको पहले भी पिछला वीडियोस के अंदर भी, लेकिन ये शैतान खानदान से तूसी का डिग्री में आ जाती है। औरत है, खूबसूरत है, हर काम करती है, अपना क्या कहती है, अपना कबीला की मलका है ये भी ना, तो इसके साथ भी खादिम वगैरह होती है, ठीक है, और दूसरा बहुत सारा शैतानी जिन्नात वगैरह वो इसके साथ इसका खादिम वगैरह होती है, काम ये भी सारा करती है। सारा काम का मतलब होता है सारा काम, ठीक है, जिस्मानी रूहानी वो जो सुकून चाहिए ना वो सब मिलती है, ठीक है। लिस्ट तो है नहीं, लोग लिस्ट मांगती है ना वो नहीं है, तो ये मैं इसका हाजिरी का तरीके में बता रही है। जो इसको कर लेगी वो खुश हो जाएगी, हर तरह से खुश हो जाएगी, ये खुश भी कर देगी, मर्द भी कर सकती है औरत भी कर सकती है, ठीक है। और अगर मर्द करेगी तो उसको इसके साथ हम बिस्तर होना पड़ेगी, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, मतलब ये शर्त नहीं है कि होगी तो फिर इसके साथ वादा होगी, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन चाहे तो कर सकती है, ठीक है, जबरदस्ती नहीं है। अच्छा, एक तो ये अमल डाली है, दूसरा ये मैं बोली थी कि कुछ चीज़ें टेस्टिंग पे, उसके ऊपर मैं एक वीडियो में डाल दी थी तिलस्माती अंगूठी का, ठीक है, उसके अंदर मैं आपको उसका जो टेस्ट रिजल्ट थी वो आपको मैं बता दी। दूसरा चीज़ वो भी टेस्टिंग पे थी, उसका रिजल्ट भी आ गई है, वो रिजल्ट गया है तिलस्माती अंगूठी से, पैसा कैसे मंगाई है, कैसे आएगी, ये जानना जानना है तो फिर प्यार दिखाना होगा। प्यार कैसे दिखानी है, इस वीडियो को तो आपने लाइक कमेंट करना ही करना है, वो जो गायब होने वाला वीडियो वे डाली थी उसको ऊपर जा करके दोबारा आपने वहाँ पे कमेंट करनी है और उसको एक बार शेयर करना है, किसी को भी शेयर करो, दोस्त को करो, खुद को करो, ठीक है। आप करेगी जैसी मुझे रिजल्ट दिखेगी मैं डाल देगी, तरीका मैं उसका बता देगी आपको, ठीक है। खैर, मैं इस अमल का मैं पूरा डिटेल में आपको बता रही है, अभी जो हाजिरी का परी का हाजिरी का जो बात होगी ये अमल शुरू होगी नौचंदी जी में रात की रात से, यानी कि बुध का दिन गुजार करके जो रात आएगी उस रात को इस अमल को करना होगी। अमल के लिए जो सामान चाहिए वो मैं आपको पहले बता दें, एक चिराग चाहिए होगी आपको, मिट्टी का चिराग, चिराग ज़्यादा लेना टूट भी जाती है इसलिए, चमेली का तेल चाहिए होगी और कॉटन रुई समझती है ना वो बत्ती बना करके चिराग में लगा करके जलाने के लिए वो चाहिए होगी आपको, ठीक है। बकूर के लिए आपको चाहिए होगी लुबान और मकर अदरक, ठीक है, बकूर का वीडियो में डाली भी, उसके अंदर आपको उसका फोटो मिल जाएगी कि ये देखने में कैसा होती है। इसके अलावा बात नहीं, आपका ज़रूरत नहीं है इस अमल के अंदर, ये सारा आपको करना पड़ेगी, परहेज अमल के अंदर कोई नहीं है, लेकिन 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 गोश्त नहीं खानी होगी। जब आप अमल कर रही होगी अमल से एक दो दिन तीन दिन पहले गोश्त खाना बंद कर देना, कोई सा भी गोश्त, ठीक है। पता नहीं पीछे में गोश्त खाना, मैं बोली थी कि गोश्त नहीं खाने होगी तो वो बोलती कि जो है ना वो, मैं उसके अंदर बोलती कि गोश्त नहीं खाना, उसके अंदर वो बोलती कि मछली भी नहीं खाना, तो बोलती मछली गोश्त के अंदर नहीं आती, कोई कमेंट कर दी आप लोग बताओ मछली गोश्त में आती है या नहीं आती। खैर देखो, हर वो चीज़ जिससे मुँह से बदबू आए वो चीज़ खाना मना होती है, मछली है उसमें स्मेल होती है इसलिए मछली भी मना है, गोश्त है चाहे वो बकरा हो गाय हो ऊँट हो कोई सा भी हो उसमें से भी स्मेल आती है वो भी मना है, अंडा है उसमें से स्मेल आती है, दूध है मिल्क उसको आप सूंघो उसमें से भी स्मेल आती है, दही है उसमें से भी आती है, प्याज है प्याज खा ले आप आपके मुंह से प्याज का स्मेल आएगा, लहसुन है लहसुन खा ले आप उससे मुँह से लहसुन खाएगा, अदरक है अदरक अगर आप खा लेते हो उससे मुँह से अदरक खाएगा, तो इस तरीके की चीज़ें मना होती है, तो तीन दिन पहले से ऐसी चीज़ खाना बंद कर देना। हाँ, अदरक लहसुन वगैरह इसका सवाल है, तो खाने में जब ये पक जाती है तो इसकी स्मेल नहीं रहती, ठीक है, तो आप पका हुआ उसको खा सकती है। अब मिल्क है, अगर आप कहती है कि चाय के अंदर डाल ले तो थोड़ा सा स्मेल उसके अंदर रहती है, तो बेहतर है कि बगैर उसका जो है आप इसको इस्तेमाल कर लो। तीन दिन पहले से ये सारी चीज़ें बंद कर देना और जब अमल कर रही होगी तो आप अमल के करीब करीब चाय वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना, दिन में कर सकते हैं ताकि रात को आपका मुंह से स्मेल ना आए, लेकिन गोश्त नहीं खाना अमल के दौरान ना बिल्कुल भी, ठीक है, बस ये पाबंदी, इतना तो कर ही सकती है, क्या है। तो नौचंदी जुमेरात की रात को आप फिर अपना कमरा के अंदर चले जाना, कमरे के अंदर जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी है
दोबारा मैं अपना बात को रिपीट कर रही है कि कमरा बिल्कुल खाली होना चाहिए, कमरे के अंदर गैर जरूरी सामान कोई नहीं होनी चाहिए, सिर्फ अमल की सामान होनी चाहिए, ठीक है, और कमरा वगैरह पाक साफ हो, जिसमें कपड़ा वगैरह आपका सब पाक साफ होना चाहिए। कमरा में आ जाना आप, रिजाल गैब का इस अमल का जरूरत नहीं है, लेकिन इस अमल को ठीक रात को 12 बजे आपको शुरू कर देनी होगी। 12 बजे आपने चिराग जलाना है, मैं बता रही सारी चीज, लेकिन 12 बजे वाला जो टाइम का फिगर बताइए ना, इसको अपना जहन में रखना। 12 बजे से पहले आप अपना कमरा में आ जाना, अपना पहले आप जो है वो, जैसे मैं हमेशा बताती है कि पहले जो है आप असराफे आमिर पढ़ना लाजमी, ठीक है, और उसका रीजन भी पीछे बता चुकी है, हर बार बताएगी तो क्या फायदा। असराफे आमिर पढ़ने के बाद आपने पहले अपना जिस्मानी इशार करना है, जिस्मानी इशार के बाद आपने अपना दायरे वाला इशार करना है, दायरे वाला इशार करने के बाद आपने ईस्ट का तरफ मुंह करके बैठ जाना, और जो अमल की सामान है बकूर वगैरह वो सब आप अपने दायरे के अंदर हिसार के अंदर रख लेना, ठीक है। बकूर अपना रोशन कर लेना, यानी कि कोयला जला करके उसके ऊपर आपने वो दुबान वगैरह उसको डालेगी तो उसमें से खुशबू उड़ना शुरू हो जाएगी। चिराग जला लेना, चिराग जला करके अपने सामने रखना, चिराग की जो लौ, यानी कि जो चिराग जल रही होती है उसकी जो रोशनी होती है, जो उसका आग होती है, उसके शोला को देखते हुए आपने अमल को पढ़ना, जो अमल पढ़ने की वो बता रही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम या मत शबहा बिनते इबलीस, ये आपने पढ़नी है अमल, ठीक है, ये पढ़नी है 1008 मरतबा, 1008 मरतबा इस अमल को आपने पढ़नी है, और अमल ख़त्म हो गई। जब अमल आप पूरा पढ़ ले, अमल ख़त्म हो जाए, तो आपने चिराग को बुझा देना है और वहीं सो जाना है। अगर आप अमल पढ़ लिए, जलते जलते बीच में चिराग किसी वजह से बुझ जाती है, तो आपने चिराग को दोबारा जला लेना है, ठीक है। पहले दिन भी हाजिर हो सकती है, दूसरा दिन भी, तीसरा दिन भी, और ज्यादा टाइम भी लग सकती है। बात फिर वही कहेगी, मैं इस सारे डिपेंड करती है आपका रूहानियत पे, आपका रूहानी पावर कितना है। आपने जब चिराग में देखते हुए अमल करनी है, तो आपने ध्यान ये रखनी है कि मतलब बिनते इबलीस हाजिर हो रही है, मतलब इसी का ध्यान रखनी है, कोई दूसरा चीज अपने ख्याल में नहीं लानी, अपनी महबूबा को लेकर के नहीं आनी, ठीक है, सिर्फ इसी का ख्याल रखनी है। अभी बता रही है, ये समझ लो कि यही महबूबा है, उससे ज्यादा मजा मिलेगी। अच्छा जी, अमल के दौरान आपको कोई चीज खौफनाक वगैरह ऐसी नजर आ सकती है, क्योंकि नजर आई है इसलिए मैं कह रही हूँ, और सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, तो इसलिए मैं फिक्स नहीं बता सकती कि क्या नजर आएगी। कुछ भी नजर आ सकती है, हो सकता है आपको कमरे के अंदर सांप दिखनी शुरू हो जाए, हो सकता है कोई चीज़ आए आकर के आपको डराना शुरू कर दे, कोई भी चीज़ इंसान के रूप में भी हो सकती है, किसी चुड़ैल के रूप में भी हो सकती है, कोई जिन आ जाए वो आपको डराना शुरू करे, क्योंकि जैसे मैं बताइए अपने कबीला की मलका, तो इसका खादिम भी है, जाहिर सी बात आप उसका मलका को तस्खीर करने का अमल करेगी तो उसका खादिम तो आकर के रुकावट डालेगी। ये भी हो सकती है कि बीच में खूबसूरत औरतें आ जाएं, बरना वो आकर के आपको ऑफर दे, आप खुद को संभाल नहीं पाए इतना खूबसूरती देख करके, लेकिन कंट्रोल मजनू कंट्रोल, वो डायलॉग सुना है ना, तो कंट्रोल करना है मजनू, क्योंकि अगर आपने कंट्रोल कर लिया और ये हाजिर हो गए खुद, तो जो पहले आई थी ना उसको भूल जाएगी, जो ये चीज है। ये तो एक अलग बात है कि पहला दिन आप इसको हाजिर कर लेती है, दूसरा दिन कर लेती है, तीसरा दिन कर लेती है, वो अलग है। अमल के दौरान अगर ये खुद ही हाजिर हो जाए, ठीक है, ये खुद हाजिर होगी ना, ये आपको डराएगी नहीं, इसकी निशानी ये हाजिरी का, ये खुद हाजिर होगी ना, ये आपको डराएगी नहीं, इससे पहले अगर कोई चीज़ हाजिर होगी वो आपको डराएगी या आपको रोकेगी, ये खुद हाजिर हो जाएगी तो आकर के ये आपसे बात करना चाहेगी। अमल के दौरान अगर ये हाजिर हो जाती है और आपसे बात करना चाहती है, अच्छा जब एक चीज़ और, जब ये हाजिर होगी ना, इसके साथ इसके पीछे और भी खादिम वगैरह वो सब होगी, ये भी इस बात का निशानी है, ये हाजिर हो जाती है अमल के दौरान, तो आपने अपना पहले अमल का तादाद, जैसे कि मैं बताएं 1008 मरतबा, 1008 मरतबा आपने पहले अमल का तादाद को अपना पूरा करना है, फिर उसके बाद आपने इससे बात करनी है, बात करने के बाद आपने इससे दोस्ती का वादा करना है, अपना शरायत वगैरह अपना ताकत के हिसाब से तय करना है, हाजिरी से वादा लेने का तरीका, कैसे वादा लेनी है, कैसे बात करनी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, इशार का लिंक डिस्क्रिप्शन में, असराफ आमिर का लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो मैं बताया इन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अपनी ताकत के हिसाब से आपने इससे वादा ले लेना है, जो शरायत वगैरह हो आपके और इसके दरमियान, वो आपने इससे जो है तय कर लेना है, ठीक है, और कसम
कसम, आप बोलेगी कसम इसको अल्लाह की देनी है, किसकी? अल्लाह की कसम आप इसको देगी लेकिन ये लेगी नहीं। कोशिश करना कि अल्लाह की कसम पर ये राजी हो जाए, नहीं तो फिर आपको इसको इबलीस का कसम देना पड़ेगी। ठीक है, ये राज की बात बता रही है जो कि मैं पहले किसी वीडियो के अंदर नहीं बताई, और ये राज की बात उन लोगों को मालूम होगी जिसने पूरा वीडियो आखिर तक देखा होगी। ठीक है, जब वादा कसम वगैरह सारी चीज हो जाए दोबारा हाजिरी का आपसे तरीका पूछ लेना, और ये अपना जितना भी इसका खादिम वगैरह होगी उसके साथ ही ये आपसे वादा लेगी और आपका काम में आपका मदद करेगी। तो जो इसको करना चाहती है करना तो कर ले भाई, वीडियो को लाइक कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको इस अमल को करने का इजाजत है। अस्सलाम वालेकुम।